ओके, तो घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं रोम चला जाऊं, तो मैं रोम आ गया। मजाक कर रहा हूँ, एक काम था। मजाक बहुत करता हूँ ना मैं, मजाक बहुत अच्छा करता हूँ मैं। हाँ तो आया था मैं जरा रोम। और भाई लोग क्या चल रहा है? तो मैं जरा रोम में हूँ और अभी बस का इंतजार कर रहा हूँ। टूर बस का ना, ट्रैवल जो करती है पूरे शहर में घुमाती है, मज़े कराती है, उसी वाली का। और गर्मी बहुत ज़्यादा है रोम इस टाइम, आप नहीं आइएगा तो बेहतर है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोग आ ही रहे, आने का सोच ही रहे होंगे, तो इस टाइम ना साल के बड़ी गर्मी है। अगर टोपी पहना हूँ, शर्ट के बटन खोले हैं, यार ये सही नहीं है, बटन लगा लेता हूँ। बस आ गई। हम ना जाते हैं अभी और फिर घूमते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा था, आप भी साथ देख लें। ओके, तो इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सापियंजा से बाहर निकल रहा हूँ। मेरी यहाँ पर एक मीटिंग थी जिस काम के लिए मैं असली में रोम आया था, और एक घंटे बाद मेरी वापस फ्लाइट है। मुझे वापस जाना है सिसिलिया, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ मेरा एक और काम है। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ सापियंजा, राइट, ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है रोम की, और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इटली की, वर्ल्ड टॉप रैंकिंग्स पर आती है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो बस ये बताना था कि अगर आप लोगों को यहाँ एडमिशन चाहिए तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, फ्री है, फ्री पढ़ाई है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फुल मैं हैरत में था इस यूनिवर्सिटी को देख के। और अभी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता था, क्योंकि जो मीटिंग थी उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो हाँ, बेसिकली मुझे रोमा सापियंजा वालों ने बुलाया था, और मैं वो वीडियो का तब तक डिस्क्लोज नहीं कर सकता था जब तक मुझे पता नहीं चल जाए कि इस साल मैंने कितनी एप्लीकेशंस सबमिट करी, जो कि तकरीबन 50 थी, और तकरीबन मेरे कितने उनमें से वीज़ास लगे, जो कि 40 थे। तो बेसिकली मेरे ये वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप लोगों को लगे कि आप लोगों का एक दोस्त बैठ के आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा है, कोई कंसल्टेंट बैठ के फैंसी वीज़ास शो करके आप लोगों को अपनी तरफ लोर इन करने की कोशिश नहीं कर रहा। मगर जब मैंने उन लोगों से मीटिंग करी और उन लोगों ने बोला कि आप प्रमोट करो इस चीज़ को, और मैंने सिर्फ आज तक एक वीडियो में अपनी वीज़ास दिखाए होंगे कि हाँ ये देखो मैंने वीज़ास लगवाए, मगर आज की ये वीडियो में ये वीज़ास दिखाने का मकसद इसलिए है कि आप लोगों को पता चले कि जो लोग भी बोलते हैं कि नई वीज़ास नहीं लगते, वीज़ास लगना बहुत मुश्किल है, और जिन लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है कि हम लोग वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, तो उन लोगों के लिए है कि जब ये लोग कर सकते हैं आप ही के मुल्कों से, तो आप लोग भी कर सकते हो। मगर फिर जब मैंने रोमा सापियंजा से मीटिंग करी और उन लोगों ने मुझे बताया कि इतने सारे वीज़ास लगे हैं और वीज़ा रेशियो अच्छा है, वीज़ा एप्लीकेशन सिर्फ उनकी रिजेक्ट होती हैं जो सही एप्लीकेशन नहीं फिलअप करते, और जो कुछ फ्रॉजुलेंट डॉक्यूमेंट्स देते हैं या कुछ गलत करते हैं अपने प्रोसेस में। तो बेसिकली रोमा सापियंजा वालों ने मुझे इसलिए ही बुलाया था कि वो लोग मुझे अपनी फैंसी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का टूर दे सकें, जिसमें अलग अलग तरह के कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, और इनफैक्ट सापियंजा इटली की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, और इटालियन यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड टॉप रैंकिंग पर आती हैं। और जब मैं एडमिशन्स ऑफिस में गया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बाहर से फॉरेनर्स उनके यहाँ पढ़ने आए, क्योंकि जो बेसिकली इटालियंस या यूरोपियंस होते हैं, ये लोग बहुत कम ऐसी डिग्रीज की इंजीनियर्स बहुत कम यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बहुत कम कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बहुत कम डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि ये लोग पढ़ाई करने के लिए उल्टा पैसे देते हैं, सिर्फ इटालियंस ही को नहीं, जो लोग यहाँ पढ़ने आते हैं उनको भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 5,000 यूरो की एनुअल स्कॉलरशिप्स होती हैं जो पर मंथली बेसिस पे आप लोगों को मिलती हैं। मगर फिर भी इन लोगों के आधी से ज़्यादा जॉब्स खाली चली जाती हैं और वो फिलअप नहीं हो पाती, वो वॉइड फिलअप नहीं हो पाता, तो ये लोग इसलिए प्रमोट करते हैं कि बाहर कंट्रीज़ के लोग इनके यहाँ पढ़ने आए और फिर यहाँ आके जॉब्स करें और सेटलमेंट के लिए सोचें, ताकि इन लोगों की जॉब मार्केट स्ट्रांग हो। तो बेसिकली आज की वीडियो मेरी सिर्फ इस बारे में ही थी, और फैंसी यूनिवर्सिटी और रोम दिखाने के बारे में थी। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। हाँ
तो आया था मैं जरा रोम अपने दोस्त के साथ।